आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर एक कार्यक्रम में कहा है कि जिन लोगों को अब तक किसी वजह से किस्त नहीं मिली है, उनको भी योजना से जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा है कि जिन किसानों को अब तक पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ किसी वजह से नहीं मिल पाया है और वो उसके पात्र हैं और वो किसी वजह से छूट गए हैं, तो पिछली किस्त भी उनको मिलेगी। सीएम ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों से भारत को बदलते देखा है। किसान श्रमिक देश के एजेंडे में शामिल हुआ। किसान श्रमिक जाति मजहब के नहीं होते। किसान श्रमिकों के नाम के नारे लगते थे लेकिन उन्हें कभी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। धरती माता की गुणवत्ता पहली बार पता लगाया गया। अन्नदाता किसान के फसलों का मूल्यांकन हुआ। सीएम ने कहा कि 2017 से 2022 तक हमने उत्तर प्रदेश में पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई योजना से युक्त किया। सीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत को बदलते देखा है। किसान श्रमिक देश के एजेंडे में शामिल हुआ। किसान श्रमिक जाति मजहब के नहीं होते। किसान श्रमिकों के नाम के नारे लगते थे लेकिन उन्हें कभी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। धरती माता की भी गुणवत्ता पहली बार पता लगाया गया। अन्नदाता किसान के फसलों का मूल्यांकन हुआ। सीएम ने कहा कि 2017 से 2022 तक हमने उत्तर प्रदेश में पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई योजना से युक्त किया। सीएम ने कहा कि आज हम MSP दलहन तेलहन फसलों ने भी दिया जा रहा है। हमारा अन्नदाता किसान हमेशा परेशान रहता था, समय पर बीज खाद नहीं मिल पाता था। हमारे लिए ये चुनौती थी। 2018 दिसंबर में प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश के 2,63,00,000 किसान इस योजना से आज लाभान्वित हो रहे हैं। आज गांव में भूमि विवाद समाप्त हो रहे हैं। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत धरोनी वितरण किया जा रहा है। अब तक हमने 56,00,000 परिवारों को सुविधा दी है। आगे इस वर्ष के अंत तक 1,50,000,000 परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीसी सखी ग्राम सचिवालय इसके उदाहरण है। कृषि विभाग में आज व्यापक बदलाव हो रहे हैं। इसका लाभ अन्नदाता किसान को मिल रहा है। आज का बृहद अभियान 10 जून तक चलेगा। जो शिकायत आई है या जो मिलेंगी उनका निस्तारण भी किया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।